कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। हरियाणा के नूंह और उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंसा के बाद मेरठ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस बीच मेरठ के शहर उलेमा शफीकुर रहमान कासमी ने मस्जिद में तकरीर देते हुए कहा कि मुसलमानों को जिंदा दिली के साथ रहना है। अगर उनमें बुजदिल है तो मुसलमान नहीं है, और अगर मुसलमान है तो बुजदिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि समझ गए ना मेरी बात। उन्होंने आगे कहा कि जामा मस्जिद को भी मंदिर बताया जाने लगा है। ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हारी गैरत गवारा करेगी इस बात को। मौलाना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शफीकुर रहमान ने अपनी तहरीर में आगे कहा कि इस मस्जिद की तरफ उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ देंगे, कोई आंख उठाएगा तो आंख फोड़ देंगे। शहरुलेमा के इस बयान को ज्ञानवापी ASI सर्वे और विवादित बयानों से जोड़कर पेश किया जा रहा है। मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए शफीकुर रहमान कासमी ने यह भी कहा कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की हालत खराब हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में मौलवी की हत्या कर दी जाती है। महाराष्ट्र में पुलिस मुसलमानों की हत्या कर देता है, और इसी दौरान उन्होंने धमकी दी कि अगर किसी ने जामा मस्जिद की तरफ आंखें उठाई तो अंजाम बुरा होगा। आज के हिंदुस्तान के हालात इंतहाई दर्जे खराब हो चुके हैं। ट्रेनों के अंदर सफर करना महफूज हो गया, गाड़ी वाले के लिए तो खास तौर पर इतना भयानक और नफरत अंगेज वाकया पेश आया कि जयपुर से बंबई जाने वाली ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को एक पुलिस वाले ने, किसी और ने नहीं, आम आदमी ने नहीं, पुलिस वाले ने देख देख कर शनाख्त करके पहले एक डिब्बे में गाली बोली, फिर तलाश करता करता दूसरे डिब्बे में मुसलमान नजर आए गाली वाला, उसे गोली मारी, फिर तलाश करते करते और आगे पहुंचा और 30 मिनट में जाके एक मुसलमान को भी गोली मारी, और एक उसी की अफसर ने उसे मना किया तो उसे भी गोली मारी। ये हालात हैं। अभी दिल्ली से 25 किलोमीटर की दूरी पर गुरुग्राम के अंदर जो हादसा पेश आया कि एक इमाम के को कत्ल कर दिया गया, ग्रुप ग्रुप के मार दिया गया और मस्जिद पे आग लगा दी गई, ये सारे हालात जो इस वक्त में बन रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो मुसलमानों अपने आप को अब बहुत ही जिंदगी के सामने रहना है। बुजदिली और ईमान दोनों एक दिन में जमा नहीं होते। अगर बुजदिल है तो मुसलमान नहीं है, और अगर मुसलमान है तो कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? अपने आप को सही होना में मुसलमान बना लो और अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लो। हालात ये हिसाब केरल की जामा मस्जिद को भी इसे मंदिर बताया जाने लगा। या मुसलमानों, तुम्हारी गैरत दबाना करेगी क्या इस बात को? इस मस्जिद के अंदर उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ देंगे। अगर कोई आंख खोलेगा, आंख उठाएगा तो आंख खोलेंगे। इसलिए हम किसी मसले के अंदर जो है कोई समझौते की बात नहीं है। ये मस्जिद है कोई आंख से मस्जिद रहेगी। हाँ, आज जो मुल्क पे बन रहे हैं में अपने आप मेरठ के एक चैनल में ये मेरी तरफ मंसूब करके ये बयान दिया जा रहा है कि शहर खासी का भड़काऊ बयान, और एक बयान ऐसा बयान जो वाकई भड़काऊ है वो उस पर दिया जा रहा है। मैंने ये बयान नहीं दिया है और मैं इस बयान की तरदीद करता हूँ और इस चैनल की मजम्मत करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ कि उसने मुझसे पूछे बगैर मेरी तरफ से मंसूब करके ये बयान को, और ये इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह की जो खबर, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की खबर शाये करके मेरठ की फिजा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जिसने ये बयान दिया है
उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बयान जो जहाँ से ये मालूम होना चाहिए कि ये बयान कहाँ से आया है और ये इस बयान को क्यों शाही किया गया है, इसलिए कि हमने कोई बयान इस तरह का नहीं दिया। जाहिर है कि इस तरह के बयान से शहर की फिजा ख़राब होगी। शहर आजकल हमारा जो है बहुत बड़ा तजारत का सेंटर है। एक दिन के लिए भी अगर यहाँ शहर की बाज़ार बंद होते हैं तो उससे करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, अरबों रुपये का नुकसान होता है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि शहर की फिजा जो है वो खुशगवार रहे। और ये बात हिंदू और मुसलमान दोनों इस बात को समझते हैं कि ये मस्जिद जो है इसमें सद्भावना, आपस के अंदर मेल मिलाप और मोहब्बत की निशानी है। लिहाजा यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वह बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।